शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, महेश गुलजार जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया मंच पर आए। अनुरोध है पूर्व अपर आयुक्त श्री के पी सेठिया जी से भी कि कृपया मंच पर आए। अनुरोध करते हैं श्री के एस वाडिया जी को भी कि कृपया मंच पर आए और कलाकारों को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में आपने श्री नरेंद्र जी कुशवाहा और पंडित माधव तिवारी की जुगलबंदी सुनी, जो कांच और पत्थर के नगाड़े और पंचमुखी वाद्य की जुगलबंदी थी, और उसके साथ दूसरा चरण भजन को समर्पित था। श्रीमती अर्चना तिवारी से आपने भक्ति रचनाएं सुनी। आपके साथ संगति की थी हारमोनियम पर पंडित सरल ज्ञानी जी ने, सिंथेसाइजर पर श्री योगेश यादव जी थे, तबला वादन माधव तिवारी जी का था और मंजीरा तेजस तिवारी, और सह गायन के तौर पे कुमारी अनुजा करंदीकर और कुमारी नेहा तिवारी। श्री के एस वाड़िया और श्री के पी सेठिया जी कलाकारों को सम्मानित करते हैं। तालियों का क्रम जारी रखें जी, ये बेहतर है। श्री कुशवाहा जी और माधव तिवारी जी कला और कला के वर्णनों में अनूठे प्रयोग करने के लिए ख्यात हैं, और उज्जैन शहर ने, उनके अपने शहर ने उन्हें बहुत सराहा है, और इसी सराहना और प्रोत्साहन के बल वो देश विदेश में अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं, अपना लोहा मनवा रहे हैं। श्रीमती अर्चना तिवारी जो नगर की ख्यात भजन गायिका हैं और पूरे देश में अपनी प्रस्तुतियां दे रही हैं। साथ में संगति कलाकार अब साथ आ चुके हैं, पंडित सरल ज्ञानी जी जो हारमोनियम पर थे। सिंथेसाइजर पर श्री योगेश यादव जी, मास्टर तेजस तिवारी भी मौजूद हैं जिन्होंने मंजीरा बजाया था। इस प्रस्तुति में आप महसूस किया होगा तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा साइड रिदम का प्रयोग हुआ था। सह गायक के तौर पे कुमारी अनुजा करंदीकर और नेहा तिवारी को सम्मानित किया जा रहा है। तालियों की गूंज और अनुगूंज जारी रहनी चाहिए, और अनुजा करंदीकर के लिए तालियां अवश्य होनी चाहिए कि गायन का अनूठा साथ उन्होंने अर्चना जी का दिया था। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संगीत समारोह पर आधारित विशेष कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी इंदौर पर, यानी मीडियम वेव, जिसे आमतौर पर AM कहा जाता है, मंगलवार रात 9:30 बजे।